नहीं प्यार से समझाती हूँ, चलो कुछ समझ में आए, गुस्से से नहीं आता तो प्यार से कम से कम पैसे नहीं है मेरे पास। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। क्या बोलते इसको, नया नाम बता भाई इसको क्या। ये तो बच्चों की सेटिंग हो गई, बोलते बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों का फ्यूचर 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 हमने मार दिया फ्यूचर फ्यूचर तो मारोगे इसका मतलब। अरे खराब से देखा ना बनाई खड़ी रे मेरी सनी देओल सी पार्टी रे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ में है भैया, मेरा नाम राखी है। राखी, तो दोस्तों राखी की कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से मेरे पास डीएम आने लग रहे थे, करीब 14-15 दिन हो गए, तो आज मैंने इनको हेल्प के लिए बुलाया, तो पूछते हैं इनसे क्या प्रॉब्लम है। राखी, जो तुमने मुझे प्रॉब्लम बताई है वो एक बार हमारे व्यूवर्स को भी बता दो कि आपके साथ क्या। मेरी ना शादी हो रखी है। अच्छा, मम्मी डैडी ने जब कराई थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से ना ससुराल वाले कुछ दिन तो सही से रखे। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लगे, और मम्मी उनकी जो मेरे हस्बैंड है और उनके मम्मी डैडी, हाँ मम्मी डैडी और मेरा हस्बैंड ना मारने लगे, पीटने लगे, कहते दहेज लेके आओ। कितना दहेज मांग रहे हैं? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, जबकि शादी के टाइम पे उन्होंने बोला था कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अब मम्मी बोलती है मुझे नहीं पता, सास बोलती है लेके आ। अच्छा, तो आपने मुझे एक तो ये बताया था कि आप आजकल अपने मतलब उन्होंने घर से भी निकाल दिया है। हाँ, घर से निकाला हुआ है मुझे, 15-20 दिन से घर से निकाल रखा है। फिर तुम अभी कहाँ पे रह रही हो? यहाँ पे तुमने अपना गांव भी बहुत दूर बता रही हो, तुम राजस्थान में है लेकिन ये तो दिल्ली है। यहाँ पे एक सहेली है उसके पास रहती हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अब मेरे को ये चाहिए कि मम्मी को मैं समझाना चाहती हूँ, हस्बैंड को समझाना चाहती हूँ कि अगर हो सके तो ऐसे ही मतलब समझो, भैया आपको इससे बुलाया था कि मान जाए समझ जाए। देखो, वो समझ आपने नहीं मेरी वीडियो देख के मुझसे कॉन्टैक्ट किया, ये अच्छी बात है, लेकिन मैंने कल आपको ये लोकेशन भी दी थी कि अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुलाना, तो अपने अपने हस्बैंड से कल बात की, लोकेशन दी, वो आ रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ आ रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे बोला कि आप आ जाओ मेरे को आपसे मिलना है, आपने बोला था ना आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो एक बार आप आके मिल लो, मैंने उनको ये बोला, ये बोला है। हाँ, तो बोले मम्मी भी साथ में आएगी, ये बोल रहा है। हाँ, 5 लाख लेके आई हो तभी घर में एंट्री होगी, वरना एंट्री नहीं करनी। चलो कोई नहीं, आज उनसे बात करके देखो, मैं बहन तुम्हें ये तो बोल नहीं सकता मैं तुम्हारी कितनी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उनको आने दे, उनको सबक जरूर सिखा के भेजूंगा, ठीक है? मैं तो बस एक बार कॉल चाहती हूँ। कोई नहीं, अच्छी बात, आप एक बार कॉल करो कितनी देर में आ रहे हैं, ठीक है? दोस्तों जब तक वो नहीं आ जाते हम कैमरे को साइड में करते हैं, मिलते हैं उनके आने के बाद। आ गए आप मम्मी जी। नमस्ते मम्मी जी। मेरे कौन छुएंगे पैर, मैं तेरा पति नहीं हूँ। पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं हो पाए, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे पास नहीं हो पाए। बिना पैसे के हमारी फैमिली में रहेगी? दहेज के टाइम पे भी तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया था, तेरे फैमिली ने माँ का अलग रोना था, तेरा पापा का अलग रोना था। मेरे घर वाले आपको पता है मेरे पापा की जॉब नहीं है, वो रिटायर हो गए, क्या करूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे पैसे चाहिए। मेरा एक छोटा भाई है, वो कहाँ से लाके देगा? तो इसमें मैं क्या करूँ, तू बता। शादी के बाद तो तुम्हारा ही घर मेरा घर है ना, आप बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? उस टाइम तो दहेज मना करा था आपने, आपको दहेज नहीं चाहिए, अब आप दहेज मांग रहे हो, मैं कहाँ से लाऊं बताओ? मुझे आप पैसे चाहिए। ये मम्मी पापा को पहले नहीं नजर आता था, लड़का इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में शादी कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ चाहिए भी तो होगा, लड़के पे 20 लाख लगा ये भी पता होगा तुम्हें? नहीं, नौकरी लगवाने के लिए था, नौकरी वाला लड़का मिलेगा, कराई इसको इंजीनियरिंग कराई, ऐसे करा दी क्या? मास्टर कराने में पैसा नहीं लगता? चलो मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मम्मी पापा को नहीं दिखता मेरी लड़की सुखी रहे? आज ये बिना पैसे के घर नहीं आ सकती। नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था इसको कि मैं तो रिश्ता ही नहीं मंजूर था मुझे, तो पहले तुमने ही तो बोला था। चलो मुझे नहीं, मैं ले ही नहीं जा सकता, मुझे पैसे चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए, मुझे काम स्टार्ट करना है उसके लिए चाहिए। मेरे पास इस जॉब से पूछ रही हो ना, जो मैं जॉब कर रहा हूँ पैसे नहीं है मेरे पास, तो जॉब से तो रिकवरी नहीं हो रही, तो आप तो मेरे पति हो ना, पति हो, पति तूने पत्नी होने का धर्म निभाया, मैंने बस 5 लाख रुपए मांगे थे तेरे माँ बाप से, दिए नहीं, ठुकरा दिए, इतना लगाया। तू 20 दिन से मैं घर के बाहर हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मर जा उससे मैं क्या करूँ, 20 दिन से बाहर है तो मम्मी ने सही किया था बिल्कुल निकाल कर। नहीं, इतना तो पता होगा माँ बाप को कि हमारी लड़की सुखी रहेगी, हम थोड़ी खाएंगे उस 5 लाख को, तेरी तो सेटिंग होगी या हमें दे देगी उनको अपनी बेटी के लिए? दे रहे माँ जी, हमारे लिए थोड़ी दे रहे हैं, नहीं यार हम खाएंगे, हमारे लिए नहीं दे रहे वो पैसा, मेरे पापा अपनी बेटी के लिए दे रहे हैं पैसे। बात सुनो, उनको ये समझा कि मेरे लिए दे रहे हो तुम, वो नहीं सास नहीं खाएगी ना पति खाएगा। बात सुनो, प्यार से मत समझाया करो इसे, ठीक है? मैं तो प्यार से समझाती हूँ, चलो कुछ समझ में आए, गुस्से से नहीं आता तो प्यार से कम से कम पैसे नहीं है मेरे पास, लगाएगा बीच में पता ही नहीं पैसे कहाँ से लेके आओ, कहाँ से लेकर आओ, मुझे पैसे अब भी चाहिए। रोने लगी, तुरंत ड्रामा करने लगी, कुछ नहीं होता रोने से, मेरे पास नहीं है पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है,
ये सब बोल मत दियो, मैं सुनना नहीं चाहता। मेरी बच्ची आप मुझे मार क्यों रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे अब भी चाहिए, अब भी। मम्मी जी मेरे पास पैसे नहीं है। तूने बोला नहीं होगा ना कसके कि मैं नहीं है मेरे पास पैसे, कहाँ से लाऊं? मम्मी जी मेरे पास कहाँ से लाऊं? मम्मी जी मेरे पास नहीं है, मुझे ले चलो आप। कोई बात है, पैसे का काम पैसे से चलता है। ऐसे हो जाओ, इनके पैरों में गिरने की जरूरत ना, खड़े हो जाओ आप। खड़े तुम कौन हो? आंटी हाथ क्यों लगा रहे हो मुझे? मैंने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं तो फिर बीच में किसी से बात कर रहा हूँ। हाँ तो हमारी बहू है ना, हमारी बहू है, किसी बाइक निकाल के दो एक बार आप। हमारी बहू है, चौधरी बनने आ गया। मैं बात करने दे भाई से, बात करने दे। क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? क्या बात करेगा? ये हमारी फैमिली मैटर है यार, तू तो समझ कम से कम। ले तेरी फैमिली मैटर, तेरा फैमिली मैटर है। आंटी किसको बुलाया? इससे बात मत कर। हाँ, क्यों? बात करने के लायक नहीं है। इसलिए नहीं बात करने के लायक? हमने पानी ले यार, मम्मा है, मम्मा है तेरी, मम्मा है साले, मम्मा है तेरी, तेरी मम्मा है। शर्म आ रही है आपको? क्या, किस बात की शर्म आ रही है? दहेज मांग रहे हो? नहीं, क्या दहेज मांग लिया? 5 लाख रुपए मांग रहे हो? सुन, बच्चों की सेटिंग के लिए मांग रहे हैं। काम स्टार्ट करने के लिए तो सेट होंगे, हम खाएंगे क्या उन पैसों को? ये काम स्टार्ट करने के लिए पैसे मांग रहे हैं? नहीं, हम खाएंगे उन पैसों को, ये बच्चों की तो जिंदगी है। तुम भूखे नंगे हो क्या? नहीं, क्यों? कमा नहीं सकते क्या इससे पैसे मांग रहे हो? बात सुन, तुम्हें नहीं पता जब आपका बच्चा होगा ना, 20-30 लाख लगा दिया बच्चे के ऊपर। किसने लगवा दिया? इसने लगवा दिया, तुमने लगाया है ना? हाँ तो हमने लगाया, तो इसके माँ बाप ने क्यों देखा? क्यों तू इसको परेशान कर रहा है? मुझे जॉब से नहीं हो पा रहा है, घर का खर्चा नहीं चल पाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। इसके मम्मी पापा मांगे, इसने दिए नहीं। और कोई खाने के लिए मांगे? बिजनेस इसके पैसों से करेगा, दहेज के पैसे? मैंने दहेज 1 रुपया नहीं स्टार्टिंग में लिया था। दहेज नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हमने, उसने दिया ही नहीं। बात सुनो, बारात इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं लेके आनी, 10 बंदे लेके आ जाना। हम घर घर के गए, चलो भाई बच्चों की सेटिंग हो जाएगी, क्यों पैसा वेस्ट करा ये बताओ? फिर दहेज मांगोगे उन जो पैसा शादी में बचा उसका? सुनो, दहेज नहीं बोलते इसको, ये तो बच्चों की सेटिंग है। इसको नया नाम बताओ, इसका क्या बोलते हैं? इसको नया नाम बताओ भाई, इसको क्या? ये तो बच्चों की सेटिंग हो जाएगी, बच्चों का फ्यूचर के लिए, बच्चों का फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। हमने मार क्यों रहे हो? फ्यूचर, फ्यूचर तो मारोगे इसका मतलब? अरे साले आराम से रहना ना, साले को फेंक दूंगा फेंक छाले। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर है ये? किस लिए मार रहा पहले तो ये बता। हां, किस लिए मार रहा है इसको? आराम से। हां मैं आराम से ही बोल रही हूं, आराम से। हां आराम से, आपकी इज्जत की शर्म कर रहा हूं। नहीं मैं आराम से ही बोल रही हूं। बताओ एक बार आप खुल के, ये पति है तुम्हारा? हां ये मेरे पति है। साले मन ऐसा कर रहा है तेरा, मार मार के बुरा हाल कर दूं। शर्मा रही है तुझे? पैसे ही तो मांगे थे। पैसे तू दे इसको पैसे। शादी किस लिए की थी इससे? काम करने के लिए बस पैसे मांग रहा हूँ। शादी क्या था इसका मतलब? जिंदगी भर खिलाते रहो ठूस कर? नहीं, जिंदगी भर ये टारगेट बना के रख कि इससे पैसा लेना और लूट रहे इनके घर वालों को खाना है, वो चाहे मर जाए। या तो ये पढ़ी लिखी होती, नौकरी कर लेती, ये तो माँ बाप को भी नजर आता था ना। आंटी प्यार से आप समझोगी, इसको प्यार से घर पे लेके जा रही हो या नहीं? ये 15 दिन से किसी और के घर पे पड़ी है। नहीं लेके जाएंगे मामा, आज नहीं लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे लेके जाऊंगी। मत याद रखना, तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, लेके जाऊंगी। अब देखो बच्चों की भी तो मर्जी होनी चाहिए ना, मैं क्या करूं? मैं रखूंगा ही नहीं। कोई कॉल कर पुलिस के पास, पुलिस के पास कॉल कर। सारा सारा प्रूफ है, कैमरा रिकॉर्ड हो रखा है, कैसे तुम टॉर्चर कर रहे हो? कैमरे फोन दो, फोन दो, अंडी हाथ मत लगाओ, पुलिस के पास कॉल कर अभी। कैमरा क्यों लगाया? किससे पूछ के लगाया यार? कब घर का मैटर है ये? एक मिनट, कैमरा किस लिए पुलिस को फोन करना? हमारे घर का मैटर, इधर आओ, छोड़ो इसको। आप पुलिस के पास कॉल करो। कैमरा कॉल नहीं करेगी पुलिस को? क्यों नहीं करेगी? किस लिए करेगी? आप इसको घर पे लेके नहीं जाओगी? दूसरों के घर पे पड़ी है, शादी करके लेके आए हो। कैमरा क्यों लगा रखा है? हाथ पैर टांग सारी चीजों को तोड़ के फेंक दूंगा, यहाँ पे बकवास कर रहा है। शांत खड़ा रहे, शांत। हाँ दहेज का केस लगवाऊं? कहां कहां पे जाएगी? तुझे एसी मिलेगा वहां पे? शर्म नहीं आ रही है आपको? आपका बेटा यहां पे इस पे हाथ उठा रहा हो, तुम हाथ उठा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम्हारी बेटी नहीं है शायद, कोई बेटी है तुम? इनकी कोई बेटी है? लड़की है, फिर भी तुम लोग तो डूब के मर जाओ। इनकी बेटी की शादी हो रही है। हमने दहेज दिया था शादी का टाइम, दहेज दिया था साले, वो भी केस लगेगा? कैमरे के सामने कबूल रहा है इन्होंने, दहेज दिया है। दहेज देना और लेना दोनों क्राइम है। दहेज दिया था तूने?
हमने दहेज उसको दिया था। देखो भाई, इसने दहेज दिया था भाई, कर तू तो कोली करी है, ऐसे मानेंगे नहीं। अरे भाई बात तो सुन ले मेरी, पुलिस का क्या रोल है? हाँ तो बता क्या बात सुने, चल एक मिनट रुको, बात पुलिस का क्या रोल? चल बात बता, बात बता, सुनाओ बात सुनाओ। बात हम लेके जाएंगे इसको, बस और लेके जाओगे? हम लोग लेके चले। अभी 15 दिन से यहाँ कहा किसके घर पे रह रही है, तुमने कोई इसका लिया खा रही है? बताया दोस्त के घर पे रह रही है, हम लोग मैनेज कर ले, हम जानते हैं, मैनेज कर लेगा, जानते हैं हम उनको भी, मैनेज कर लेगा उनको भी, हम जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तू तो फिर कल फिर दहेज मांगेगा? क्यों मांगेंगे, हम नहीं नहीं मांगोगे? आप लोग सुधर गए? वो कैमरा AK-47 नहीं है जो इतनी जल्दी सुधर गए? कोई बात नहीं, नकली के ड्रामे कर रहे हो तुम लोग। ने पूछा भी नहीं तू कहाँ है, कैसे, एक भी कॉल नहीं किया। हमारे जानकार थे वो, ऐसी कोई बात झूठ बोल रही है। एक काम करो भाई, तुम 5 मिनट के लिए उधर खड़े हो, आंटी उधर खड़े हो, मुझे इनसे बात करने दो, उधर खड़े हो बैठो आप एक बार। अभी भाई थोड़ा पीछे चला जाना, साढ़े जूता निकाल के इतने मारूंगा भूल जाएगा अपने आप को। अभी ये बताओ इन लोगों का क्या करना है? मैं लोग के साथ रहना नहीं चाहती, आपके सामने दिखावा कर रहे हैं, फिर घर जाके फिर से मारपीट करेंगे मेरे साथ। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको बोलना चाहता था, ये कैमरे की वजह से सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक काम करो आप इनके साथ मत जाओ, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ जी। जो तुम्हारे पेरेंट्स जो डिसीजन लेंगे जी, आप उस पर कायम रहना जी। आ जाओ एक बार इधर, आ रहे पता नहीं इसने आपसे क्या क्या जुड़ा होगा। कुछ नहीं जुड़ा, खड़े हो जाओ आप। तो घर का बात, इसको 2-3 दिन का टाइम चाहिए, ये जा रही है अपने घर पे। अच्छा। नहीं नहीं हम लेके जा रहे हैं, नहीं ये 2-3 दिन के लिए अपने घर पे जा रही है, फिर ये आ जाएगी। इसने बोला है नहीं चाहिए। अरे भाई तुम्हें पैसे भी देंगे? नहीं 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 हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, मैं जॉब से कर लूंगा। कोई नहीं, 2-3 दिन इसको घर पे जाने दे, ये इसकी आज की ट्रेन की टिकट है, ये घर पे जा रही है। कोई बात नहीं, हम कैंसिल करा लेंगे। कोई कैंसिल नहीं होगा, आपको समझ में बात नहीं आ रही क्या? मैं करा दूं फिर कंप्लेंट आप लोगों की? 2-3 दिन का इसको टाइम दो, तुम्हारे साथ रहना है नहीं रहना ये अपने घर पे जाके बात करेगी। पहले निकल जाओ यहाँ से, आंटी निकलो, अपना बैग उठाओ, अरे निकल यहाँ सारे, घर चल चलो, क्या हो जाएगा? आंटी ले जाए इसको, ना तो इसको मैं बहुत मारूंगा, ले जाओ यहाँ से अगर इसको बचाना है तो, ले जाए इसको। वो मेरी चलो मैं आज कॉल कर ले। हाँ कॉल करेगी, जा वीडियो कॉल करेगी। हाँ तो ठीक है, अभी आप अपने घर पे जाओ, एक बार अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है, फिर कोई डिसीजन लेना जी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू।